हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको आज ये बर्ड्स दिखाऊंगी जो यूनिक बर्ड हैं, एकदम बाहर से माइग्रेट करके आती हैं और इन्हीं दिनों में आती हैं एक हफ्ते के लिए, और हजारों की संख्या में आती हैं ये। अभी मैं जो नेक्स्ट इससे आगे दिखाऊंगी, इसी व्लॉग में दिखाऊंगी, आप देखना कितनी सारी बर्ड है और आप इसका इंजॉय करो, अच्छा लगे। देखो फ्रेंड्स, कितनी सारी बर्ड्स आई हुई यहाँ पे। पीपल के पेड़ पे बहुत सारी बर्ड्स हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सीताराम। मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है आज सुबह सुबह। ये देखो कितनी सारी बर्ड है, ये देखो, ये इकट्ठी आती हैं और एक साथ ही उड़ जाती हैं सारी। ये यही सीजन है इनका, इन दिनों में आती हैं ये, बहुत शोर हो जाती हैं। ये देखो आवाज आ रही है आपको, ये देखो इतनी सारी बर्ड्स है इससे पीपल के पेड़ से। इनका मैं इंतज़ार कर रही थी कितने दिनों से, ये इन दिनों में ही आती हैं। इनका टाइम फिक्स है, ये दो चार दिन ही आएंगी और फिर नहीं आएंगी। ये माइग्रेट करके आती है कहीं से, और ग्रुप का ग्रुप आता है इनका, झुंड का झुंड आता है। बहुत अच्छी लगती हैं बोलती हुई चहकती हुई। अभी मैं देख रही हूँ ये घट्टी उड़ेंगी तो आपको दिखाऊंगी मैं व्यू में, एक ही बार उड़ जाएंगी सारी, इसलिए मैंने कैमरा फोकस किया हुआ है। अभी बजे सुबह के 6 बजे हुए हैं, 6 से ही ज़्यादा टाइम हो रहा होगा थोड़ा सा। अब वैसे तो दिखाई नहीं दे रही, मैंने जूम भी किया हुआ है कैमरा, लेकिन बैठी हुई खट्टी दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान से देखोगे तो दिखेंगी बहुत सारी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इनका बोलता हुआ, इनका म्यूजिक है ये, इन्हें सुनने में मज़ा आ जाता है। कितना शोर मचा रखा है इन्होंने, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो इनका संगीत। कंटिन्यू दिखाऊंगी मैं आपको ये, आप देखते रहिए। और इनकी आवाज़ सुनते रहिए, बहुत आवाज़ मीठी है इनकी। अभी तो आ ही रही है बाहर से, कहीं से हजारों की संख्या में होती है चिड़िया, हजारों हजार।
पूरे पीपल पीपल के पेड़ पे ब्लैक की ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक बर्ड्स होती है। कल तो फ्रेंड्स मैंने एक दो चिड़िया ही देखी थी सुबह, ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्वे करने आई हैं और अब आ जाएंगी सारी। कल भी उड़ रही थी 6-7 चिड़िया थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, और आज आई हैं फर्स्ट टाइम सारी। जिस पीपल के पेड़ के मैंने आपको पत्ते दिखाए थे झड़े हुए, इसी पीपल के पेड़ पे बैठ गए, इसी पे बैठ के आके। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम, कैसे हो आप सब यूट्यूब फैमिली, कैसे हो दोस्तों? मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं आपकी कुशलता के लिए भगवान से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप सब लोग अपनी ठीक ठाक रहें सब। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई, कल बहुत गर्मी थी और आप भी गर्मी से बच के रहना, गर्मी तो बहुत है, काम भी करने ही पड़ते हैं, घर के भी बाहर के भी सभी को करने पड़ते हैं, और फिर भी गर्मी में से आप थोड़ा सिर पे कपड़ा रख के बच के है ना बाहर जब निकले तो। और फ्रेंड्स, मेरा कल तो व्लॉग नहीं आया था क्योंकि आपको पता ही है कि मैं किचन रेनोवेट करा रही हूँ, तो उसका सामान मुझे सारा निकालना था, निकलवा तो मैंने लिया था लेकिन उसे इकट्ठा करके भी रख लिया था, लेकिन संभालना तो फिर मुझे ही था कि भाई कौन सा सामान मुझे कौन से बॉक्स में रखना है, कहाँ रखना है, वो बाद में भी चाहिएगा और बीच में भी ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, तो इसलिए मैंने खुद चेक कर करके रखा है अब मेरे को साथ लगा के, तो उसमें बहुत टाइम लग गया, कल मेरा पूरा दिन उसमें लग गया। और अभी तो फ्रेंड्स जो मेरे डेली की यूज़ की चीज़ें हैं ना किचन में, जैसे दालों के डिब्बे और मसालों के डिब्बे और आटे के डिब्बे वगैरह, सब्जी की टोकरी और जूसर मिक्सर, ये सब अभी स्लैब पे पड़े हुए हैं किचन में ही। आज का काम और है अभी मुझे किचन का बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन खाली करके दे करके पहले ही हम अपना प्रिपेयर रहेंगे तभी लेबर लगाएंगे, और फिर हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन है उसको डिस्कनेक्ट कराना है और सिलेंडर लाना है, सिलेंडर के साथ एक चूल्हा भी चाहिए, चूल्हा तो चल उसके चूल्हे के अंदर वो फिर रिपेयर भी होता है उसके, क्योंकि पाइपलाइन के नोज़ल दूसरे होते हैं और सिलेंडर वाले नोज़ल दूसरे होते हैं चूल्हे में, तो वो सब भी है। तो मैंने कहा इन सबको करके तभी हम लेबर बुलाएंगे, और किचन में मुझे एक रूम में सेट करनी है अपनी, वो भी मुझे करना है। मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा क्या है एक दिन में किचन खाली कर देंगे, लेबर आ जाएगी, गैस डिस्कनेक्ट हो जाएगी, सिलेंडर भी लें। लेकिन फ्रेंड्स मुझे पता है क्या बीत रही है मेरे पे बहुत काम बढ़ जाता है भाई एक ऐसे मैंने वॉशरूम रिपेयर कराया था, रेनोवेट कराया था, तब भी उसने कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि 2 महीने में तैयार करके दे देंगे, लेकिन उसी को तैयार होने में भी 5 महीने लग गए थे। फ्रेंड्स कितनी दिक्कत हमें हुई होगी हमें पता है, लेकिन उसके बाद फिर दिल्ली में बैन लग गया, MCD ने बैन लगा दिया, तो सारा बीच में ही रह गया हमारा। और अब जो है ना किचन की तैयारी हो रही है पीछे, पहले किचन कराएंगे साथ साथ और कुछ भी काम कराना है, तो फ्रेंड्स इतना सारा काम हो जाता है बस क्या बताऊँ।
संभालने वाली तो मैं अकेली हूँ, थोड़ा बेटा भी हेल्प करा देता है मेरी, और बेटा तो बल्कि जोक मारता है कि ये क्या इकट्ठा कर रखा है, कि मैंने कहा ये मेरी 35 साल की पूंजी है भाई 35 साल में आपने कूड़ा इकट्ठा किया है। मैंने कहा हाँ भाई कूड़ा इकट्ठा किया है, मैंने कहा जो यूज़ कर फेंक दूँ, बहू आके फेंकेगी, इससे तो अच्छा मैं ही फेंक दूँ तो फ्रेंड्स पहले ही मैं अपना तैयारी कर रही हूँ कि चलो भाई कर लेते हैं थोड़ा सा तो जो फेंकना है फेंकने वाला ही ज़्यादा सामान होता है, लेकिन हम जैसे जो बड़ी लेडीज़ होती हैं वो सोचती हैं कि ये भी काम आ जाएगा ये भी काम आ जाएगा, काम कुछ नहीं आता, वो फेंकना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसलिए अच्छा है कि अपना लिमिट में सामान रखो और उतना ही रखो कि जो यूज़ आए, और नहीं यूज़ का है तो दे दो किसी को। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है ना मैंने कितने बोरे भर भर के सामान फेंका है, बहुत सामान फेंका है खाली किचन में से ही, और किचन का भी जो मैंने सामान निकाला आपको दिखाया भी था वो सारा सामान, और अब फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैं कि मैंने कितना सामान निकाल के सेट किया और सारा सामान फेंक दिया है बाकी। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और फ्रेंड्स अगर आगे मुझे ब्लॉग में मिलने का टाइम ना मिले तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको मैं अपनी जो किचन रेनोवेट कराऊंगी उसके सारे ब्लॉग दिखाऊंगी, एक एक ब्लॉग दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप पहले से ही मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, और आगे आने वाले ब्लॉग मेरे बहुत अच्छे आएंगे, और कैसे कैसे किचन मेरा रेनोवेट होता है तब वो सारा दिखाऊंगी मैं, और आपके साथ तो मैं सारा जो सामान निकाला है वगैरह वगैरह तो मैं दिखाती ही रहती हूँ। बाकी काम तो मेरा आज का जो है वो हो गया है, और आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी मैं इतना ही करती हूँ, मिलेंगे फिर आगे ब्लॉग में।